तालाब कट्टे के रहने वाले यास्मीन बेगम नामी खातून, जिनकी शादी 9 साल कबल मोहम्मद फिरदौस नामी शख्स से हुई थी, यास्मीन बेगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि उनके शौहर मोहम्मद फिरदौस और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानियों से तंग आकर वो पिछले 2 सालों से अपने मायके में ही रह रहे हैं। यास्मीन बेगम को 3 मासूम बच्चे हैं। यास्मीन ने बताया कि उनके शौहर ना ही उनका और ना ही उनके बच्चों का कोई खर्च उठा रहे हैं और वो यास्मीन से तलाक भी ले लेना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में एक सीमा नामी खातून, जो कि अपने आप को महिला मंडल की मुलाजिम बता रहे हैं, उन्होंने भी यास्मीन को खुला ले लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब यास्मीन ने अपने शौहर को खुला देने से इनकार कर दिया, जिस पर सीमा और उनके शौहर फिरदौस ने मिलकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए सभी को ये बता रहे हैं कि उनका अपनी बीवी से खुला हो गया है, जबकि यास्मीन ने मीडिया के रूबरू बताया कि उन्होंने अपने शौहर को खुला दिया ही नहीं। बहरहाल आजकल एनजीओस और महिला मंडल के नाम पर मजबूर वो गरीब आवाम को लूटने का ये नया धंधा चलाया जा रहा है। यास्मीन ने मीडिया के जरिए पुलिस और हुकूमत के तमाम आला अहदेदारों से इनकी भरपूर मदद करते हुए इन्हें इंसाफ दिलाने की भी अपील की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। आपको खुला हुआ से उन्हें मालूम था और आज नहीं कर आएंगे बोल के इंतजार में आया। इंतजार में ऐसा आ जाते सकल आते बोल के बोल रहे तो ना ऐसा हो पाया। मतलब धोखे से खुला हुआ ही। हाँ। तो आपके घर के ऊपर कौन भेजे थे पहलवानों को? सीमा मैडम ही भेजे। किसको भेजा है? वो एक 3-4 जेंट्स थे। क्या बोले लागे? क्या बोले? आप लाना चाह रहे क्या उनका सोना? उनके कंकर कहते पैकेट कहते फोन कहते वो लिए कहते ना लिए रखे यहाँ पे रखे तो मैं बात करता हूँ नहीं तो नहीं बात करता हूँ बोल के बोल रहे थे। सोहेल बोल के नाम था उनका। आके बोल रहे थे तो सहना करो बोले आपको पेपर पे सहना करो वो करो वो तो नहीं करती बोली नहीं करता बोल रहा वो सामान रखे तो मैं बात करता हूँ नहीं तो नहीं करता हूँ बोल के बोले थे। अभी आपके शोहर का ये मानना है कि आपका उनका खुला होगा और आपका कहना ये है कि कोई नहीं, 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 इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। आप क्या कार्रवाई हुई हमारे आपकी कहाँ से? पुलिस से कुछ भी कार्रवाई हुई? हाँ करे ना। क्या करे पुलिस वाले? करे बोले वो या उसमें कोर्ट में पेपर चलेगा बोले। एफआईआर की कॉपी दी आपको? हाँ है। क्या पॉज करोगे? पॉज करो। हस्बैंड है मोहम्मद फिरदौस खान। आप सासा पीछे से बताइए। वो ये एफआईआर का पेपर है ये कराई सो कंप्लेंट है और कब कराई है कंप्लेंट? 2021 में 25 तारीख को 5वें महीने में दिसंबर में। हाँ अभी आपका बोलने का मीडिया में आने का मकसद क्या है? माँ वो बोलिया ये नो उनके ये बॉन्ड पेपर बनाए थे रख लेता हूँ साथ घर पे ले जाके अच्छे से रख लेता हूँ बीवी बच्चों को बोल के बोले थे। अब ये सब छोड़ दिया नो सीमा मैडम के पास गए। सीमा मैडम वो तो मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं खुला दे दो वो कर दो बोल रही। सीमा मैडम हम मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ हमेशा और बोल रही खुला दे दिया हमें पैसे दे दिया बोल के बोल रही। आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं? कुछ भी नहीं दिए। आप कंप्लेन कराया है आपके साथ जो धोखे से खुला हुआ आपका कंप्लेन कराया? हाँ कंप्लेन कराए ये बोलने के बाद ये बॉन्ड पेपर बनाए। नहीं नहीं आपके साथ अब जो धोखा हुआ उसके खिलाफ जो आपकी इजाजत के बगैर खुला हुआ अब उसकी कंप्लेन कराए। अब जाने का है अब जा रहे हैं वहाँ पे मगर आपकी तरफ से खुला नहीं दी? नहीं नहीं मैं तो खुला नहीं दी कुछ और कोई नहीं पेपर भी नहीं है कुछ सबूत नहीं है मेरे पास। आपके सियाना में आपके अवेलेबल है? हाँ सियाना में सब है मेरे पास। आप शोहर के साथ रहना चाह रहे हैं? हाँ रहना चाह रहे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछा था कुछ वैसे क्या चाह रहे हो तो महिला मंडल सीमा मैडम है मेरे को इंसाफ चाहना है और मैं तो खुला नहीं दी कुछ भी नहीं दी।